हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे पोको मोबाइल के बारे में। दोस्तों, कोई पर्टिकुलर पोको मोबाइल के बारे में बात नहीं करूंगा, या तो कोई पर्टिकुलर रेडमी मोबाइल के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं आज सभी डिवाइस के बारे में बात करूंगा, जितना भी पोको मोबाइल है, जितना भी रेडमी मोबाइल है, क्योंकि ये दोनों कंपनी एक जो है ऑनर है और एक जो है एक ही चीज उसमें सब कुछ रहता है। पोको का मोबाइल में रेडमी का बैटरी रहता है, तो इसलिए दोनों कंपनी एक है, तो मैं एक ही जैसा ही बात करूंगा। अगर आप Redmi या तो Poco का फैन हो, आप Redmi का और Poco का मोबाइल चला रहे हो, तो क्या आप बेस्ट चला रहे हो? क्योंकि मैं कुछ दिन पहले एक पोल डाला था जिसमें कि Redmi, Realme, Poco और Vivo, ऐसा चार ब्रांड का मैंने पोल डाला था। इसमें सबसे ज्यादा जो है Redmi का फैन निकला। देखिए दोस्तों, Redmi जो है एक दिन नंबर वन ब्रांड था इंडिया का, लेकिन आज वो नहीं है। एक रीजन ये है कि पहले वो अच्छा मोबाइल बनाता था, हर कोई Redmi का मोबाइल लेना चाहता था क्योंकि वो वैल्यू फॉर मनी भी देता था और लंबा चलता भी था। लेकिन अभी कंपटीटर भी ज्यादा हो गया, उसका एकदम टॉप कंपटीटर जो है Realme है, वैसा ही स्पेसिफिकेशन देता है और कम पैसा में भी देता है। दूसरा चीज है, अभी Redmi में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, Redmi और Poco डिवाइस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। भाई देखो, मैं जब से ये ऑनलाइन सर्विस चालू किया हूं ना, Redmi और Poco डिवाइस जो रिपेयर आ रहा है मेरे पास, Poco तो मतलब इतना सारा बना चुका हूं मैं आपको बता भी नहीं सकता। लेकिन अगर आप एक Redmi का फैन हो और Redmi मोबाइल जो है आप रिपेयर नहीं हुआ है आपका, अभी तक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ अच्छा ही है, तो आपको एक बात बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप Redmi का फैन हो, Redmi मोबाइल चला रहे हो, तो एक चीज ध्यान रखना, Redmi मोबाइल कभी भी खराब हो सकता है। इसका मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता कि कब चलेगा कब नहीं। तो आशा करता हूं अगर आप एक Redmi का फैन हो, आप मोबाइल चला रहे हो, तो आप ध्यान से चलाओ कि अपडेट नहीं करना, कम से कम अपडेट नहीं करना। अपडेट करोगे तो फिर कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकता है। दूसरा और एक चीज है, अगर आपके पास Redmi का और Poco का कोई भी मोबाइल है, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप हमें कांटेक्ट करके अपना मोबाइल को भेज के मोबाइल रिपेयर भी करा सकते हो। कितना पैसा खर्चा होगा, क्या प्रॉब्लम है, मैं कांटेक्ट नंबर वीडियो में कहीं पे भी दे दूंगा, देख के आप मुझे कॉल करके अपना मोबाइल को रिपेयर करा सकते हो। आप इंडिया के कोई भी कोने से हो, मैं उड़ीसा से हूं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। 100% आपका मोबाइल अगर कुछ भी खराब हुआ है, बहुत ज्यादा पैसा बोल रहा है, मदरबोर्ड चेंज होगा बोल रहा है, तो आप हमें अपना मोबाइल को भेज के कम से कम पैसा में रिपेयर करा सकते हो। समझ में आया दोस्तों क्या करना है क्या नहीं करना है? Redmi आज क्यों इतना नीचे है, Realme बहुत ज्यादा अभी ऊपर है। तो यही चीज था आज का वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग का दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आपको ये वीडियो ये जानकारी अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।